खवातीनों हज़रात, आज हमारे साथ एज़ यूजुअल एस मौजूद हैं, पाकिस्तान के द ओनली ट्रू रॉक स्टार दैट पाकिस्तान हैज़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली अज़मत। वाह वाह, थैंक यू अरे को तुझे एक बात बताऊं, मैं ये देख रहा हूँ तू बड़ा बददिली से आया मेरी तरफ, यानी तू कोशिश कर रहा था कहीं और लुट जाए, सुझा तेरा दिल नहीं था। मैं तुझे बताऊं, यू हैड टू डू इट, तूने मुझे बुला के यहाँ पे, को मेरे प्यो पे एहसान नहीं किया। यू नो पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी जीत को मेरे अलावा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, यानी उसको रिलेट ही नहीं कर पाती। अब तू सोच ना कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप उठाया और पीछे गाना चल रहा, पावे वो सेतु बला तनुल जोड़ो नियो बोली। अच्छा अली भाई, अली भाई और कहा वो वर्ल्ड कप उठाया और आवाज है जज्बा जुनून उल्टे मतला वैंक पाउ बबो बैंक पाउ बबो बैंक पाउ बबो बैंक। बहुत अली भाई, आपने अपनी मसरूफी बात सुनो, ये कहिए मैं ये मोइन भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो यार मोइन भाई खुदा का वास्ता है थोड़ी सी फ्रेश एयर लें, वो मैं कराची कभी आऊंगा मुझसे टाइम लें, कुछ सी व्यू पे बाउम बाइन डाल के दोनों भाई चले। मैं आपको बताऊं, आपका इतना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर जितने घास के तिनके इतने करोड़ आपको यूं कमा के दे सकता हूँ, इतने करोड़, इतने दिमाग है मेरे पास, इतने आसान है। ये जो आपने नहीं मेरी सजेशन तो लेना, ये जो आपने जो इतना बड़ा पवेलियन बनाया हुआ है आप इसको किराए पे दे दें, यहाँ लगा दें स्नूकर, फिर जो आपने ये प्लेयर ये जो इंक्लोजर अपना बनाया हुआ है गेस्ट का, इसको खत्म कर दें आप, यहाँ बना दें गर्ल्स हॉस्टल, सामने बना दें बॉयज हॉस्टल, दरमियान में आप लगा दें कैंटीन, उसमें क्या कैंटीन में रख लें इमली और समोसे, तो लड़कियां आएंगी इमली पे, लड़के आएंगे समोसे पे, आप उसमें खाना पीना चलता रहेगा। मोहिंद आप पास बेशुमार पैसा बात सुने ना, स्क्रिप्ट में मेरे सवाल भी हैं। पहले हंसपे रिवाज मेरा सवाल तो अली इजाजत है एक सवाल कर सकता हूँ जी? यस, लेकिन वो मैं इजाजत देता, टाइम लग जाएगा। दुपट्टा सिद्धू से लिया है, कल सिद्धू ने पहना हुआ था। अली भाई फिजिकल अपीयरेंस पे बात ना करें, कुबरा जी बैठी हुई है उनके सामने मेरी, आपने जो है ना मार्केट कम नहीं करनी, और कुबरा जी आपने घबराना नहीं है, मुझे देख के लगेगा आपको रदाई में से घोड़ा बाहर आया हुआ, लेकिन ये मेरा स्टाइल है। आपका भाई हमेशा से स्टार था, जब बाल लंबे थे तो संजय दत्त था, बाल नहीं है तो गंजे दत्त है। अली भाई आप कुछ ना बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, आपने मसरूफे से टाइम निकाला, आप माइयों बैठे हुए थे, इट्स वेरी एविडेंट। मैं पूछना चाहता हूं, कल पाकिस्तान का फाइनल है, क्या सजेशंस देना चाहेंगे क्रिकेट टीम को? देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मैच हो रहा है, पूरा पाकिस्तान या सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान टीम के ऊपर है। मैं समझता हूँ इनको ये गोल्डन मौका फिर नहीं मिलेगा, इनको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, जो एक एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये लोग करें, आपकी 72 साल की कैंपेन पीछे रह जाएगी, और मुझे यकीन है अगले वर्ल्ड कप तक आपकी पॉपुलेशन का जो मसला है ये कंट्रोल हो जाएगा। रहा मसला मैच का, वो भी बड़ा सिंपल है, हर खिलाड़ी को चाहिए रात को एक एक ग्लास दूध का पिए, ताकि वो जल्दी बड़े हों, उनकी हड्डियां मजबूत हों, बर्तानिया वालों को टाफ्ट। और यार वो मुझसे पूछा है, मैं खिलाड़ियों की अम्मी हूँ, मैं विदेशी हूँ, तू मुझसे पूछ राज दरबारी क्या है, मल्हार क्या है, मालकोस क्या है, अल्लाह के फजल से अगर तू ये भी पूछेगा मुझे ये भी नहीं पता। मैं म्यूजिक म्यूजिक पे आता हूँ ना, मैं म्यूजिक पे आता हूँ। मैंने सुना था 92 में खान साहब कहते थे भाई नुसरत फतेह अली खान की कवालियाँ सुने, अब 2022 चल रहा है, आप क्या समझते हैं क्या टीम को सुनना चाहिए, बाबर को क्या सजेशन देंगे, क्या? इजी चिल रिलैक्स, देखें कवालियाँ हरगिज नहीं सुननी चाहिए, कवालियाँ चढ़ भी जाती हैं इंसान को, और मुझे लगता है खान साहब को आजकल कवालियाँ चढ़ी हुई, सारी कौम को उन्होंने देखे ना हमने वहाँ बना के तालियों पर लगा दिया हुआ है। बाबर को चाहिए रिलैक्स रहे, अगर कल बारिश होती है तो कोई बात नहीं, मेरा गाना सुन ले वो बरस गिर आयो वेरी सिंपल और इजी रहे बिल्कुल, कोई मुन्नी की बदनामी सुन ले, शीला की जवानी सुन ले, कटरीना का वो सुन ले, वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, हाँ वो सुन लूंगा मैं, जो जमीन से ऊपर गा रहा है, नहीं मैं कमली हाँ, लेकिन वहां तक जब उसने जैकेट उतारा बस उससे आगे नहीं, ये ना दीवारों में बैठे तेरे पर डिस्टर्ब होंगे मैच। अच्छा अली भाई बात सुने, अली भाई कंट्रोल करें ना, अली भाई मैं पूछ रहा था कि कल किसकी जीत देख रहे हैं, बस आखिरी सवाल है ये।
कल मैं क्रिकेट की जीत देख रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा। पाकिस्तान जीतता है तो क्रिकेट की जीत, इंग्लैंड जीतता है तो क्रिकेट की जीत, मैच ड्रॉ होता है बारिश होता है तो क्रिकेट की जीत। आप देखे ना पाकिस्तान इतने मैच खुदा ना खासा हारा भी तो है, लेकिन आप जश्न क्रिकेट कर रहे हैं तो भी क्रिकेट की जीत हुई है, सूरत हुई है क्रिकेट की जीत। तू उसको छोड़ यार, मुझे ये बता तू पक्का हो गया? तू मुझे लास्ट 3 माह पहले मिला था, तू मुझे कह रहा था जो मेरी हरकतें हैं उन्होंने मुझे निकाल देना है, अभी तक तुझे निकाला नहीं। मजीद आपको शो पे रखा तो मैं भी और आप भी। सवाल इमाद इमाद वसीम से एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछना है, सिर्फ जाते जाते अगर इजाजत दे दो। इमाद यार आप जेल भी लगाते हो माशाल्लाह, काला चश्मा भी लगा के बॉलिंग करते हो, कभी ऐसा हुआ हैंड फ्री भी लगा के बॉलिंग कराई हो? इधर आपको पांड्या ने 3 छक्के मारे हो और आपके कान में आवाज आ रही हो नच मचा झंडा मचा झंडा मचा झंडा। इस सवाल के बाद अली भाई का मजीद बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया।